के बिहार के गोपालगंज में प्रदर्शनकारियों का बवाल। प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन की बोगी में किस तरह से आग लगाई है। अग्निपथ योजना को लेकर ये बवाल चल रहा है। तो ये एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दोनों तस्वीरें देखिए आप। सेना के लिए नई योजना लाई गई है, बेहद छोटे समय के लिए सैनिकों की भर्ती हुई, ये भी आरोप लगाया जा रहा है युवाओं के द्वारा। इस मसले को लेकर भी नाखुशी देखने को मिल रही है। फिलहाल शॉर्ट सर्विस कमीशन 10 साल का है। नई भर्ती के तहत सेना में 4 साल ही सेवा देंगे। ये जो नई योजना लाई गई है सरकार के द्वारा, 4 साल बाद सेना से सेवा मुक्त हो जाएंगे, यानी कि रिटायरमेंट हो जाएगी। और देखिए 75 से लेकर 80% सैनिक सेवा मुक्त हो जाएंगे। बचे हुए 25-20% सैनिक स्थायी हो सकते हैं उनके परफॉर्मेंस के आधार पर। डीएमए ने नई योजना को बनाया है और कई देशों में भर्ती मॉडल के अध्ययन के बाद इसे तैयार किया गया। योजना का नाम है अग्निपथ, लेकिन अग्निपथ योजना को लेकर जबरदस्त विरोध देखने को मिल रहा है और देश के कई राज्यों में इस प्रकार ही विरोध हो रहा है इस योजना का। और अलग अलग आरोप भी युवाओं के द्वारा लगाए जा रहे हैं कि बहुत ही शॉर्ट टर्म योजना है और 4 साल तक की योजना है और एज लिमिट को लेकर भी काफी ज्यादा बवाल चल रहा है। तो हम आपको अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर अग्निपथ योजना को लेकर बवाल चल रहा है। तो आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं बिहार में किस तरीके से इस योजना का विरोध किया जा रहा है। क्योंकि आपको बताएं कि विरोध क्यों हो रहा है, कोविड के चलते सेना की बहाली पर भी असर पड़ा था। 2 साल से भर्तियां नहीं हो पाई थी, कुछ के परिणाम लंबित थे। पुरानी भर्तियों को नई योजना के दायरे में करने का फैसला भी लिया गया और फैसले के बाद जिनकी उम्र सीमा खत्म हो गई है वो नाराज हैं। अधिकतर छात्र पुरानी भर्तियों के परिणाम का इंतजार कर रहे थे। और एक और आपको जानकारी दे दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया है और साथ ही लोगों से कहा है कि आप किसी बहकावे में ना आए, ये योजना आपके लिए लिए। ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं हम सेना भर्ती को लेकर और इस नई योजना को लेकर किस प्रकार से बवाल चल रहा है। पुलिस को भी पूरा मोर्चा संभालना पड़ रहा है। अग्निपथ योजना पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया जैसा हम आपको बता रहे थे और क्या कुछ उनके द्वारा कहा गया है वो भी जानिए। तो अग्निपथ योजना को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का ट्वीट, अग्निपथ से युवाओं का भविष्य और ज्यादा मजबूत होगा। अग्निवीरों को पुलिस और दूसरी सेवाओं में प्रियता मिल जाएगी और किसी बहकावे में ना आए युवा, ये भी सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा कहा गया है। अग्निवीर राष्ट्र की अमूल्य निधि होंगे, ये भी उन्होंने कहा कि किसी के बहकावे में ना आए युवा। क्योंकि ऐसी जो तस्वीरें देखने को मिल रही है बिहार में अलग अलग राज्यों में, उससे ये ज्ञात होता है कि जो युवा हैं इस योजना से काफी ज्यादा नाखुश नजर आ रहे हैं और उनके क्या कुछ मांगे, क्या कहना है उनका, विरोध क्यों हो रहा है, ये भी हम आपको लगातार बता रहे हैं कि कोविड के चलते सेना की बहाली पर भी असर पड़ रहा था और 2 साल से भर्तियां नहीं हो पाई थी, कुछ के परिणाम लंबित थे।